एसोसिएशन के लिए किस आधार पर बनाया जाए जिससे कि बच्चे को भी सुविधाजनक हो। तो जैसे देखिए, एक हिंदी का कॉपी हमारे पास है जिसमें बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर बुक का, और साथ साथ ऐसे चीज़ जो बच्चों को बार बार याद करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो सिर्फ वो हिंदी की एक वो कॉपी जो होगी वो फेयर कॉपी कहलाएगी, ठीक है। एक बच्चों की इंग्लिश की फेयर कॉपी होगी जिसमें बच्चे इंग्लिश के बुक का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और ग्रामर को साथ साथ ग्रामर का, वो दोनों बुक जो है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की कॉपी जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए ताकि बार बार बच्चे को कॉपी ज़्यादा ना लाना जाना पड़े। मैथ की कॉपी नहीं होगी, मैथ की एक रफ कॉपी ही तैयार होगी। इसके बाद एक साइंस की कॉपी है जिसमें बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बुक, जो जो बुक में चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो सब नोट करवाना है आपको, जिसके लिए फेयर कॉपी। फेयर कॉपी का यूज कहाँ होगा? क्वेश्चन आंसर के लिए, और सिर्फ जो जो बुक में इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उस लाइन को आप नोट करवाइए ताकि आप बच्चों को बोल सके कि उसको बार बार याद करें। एसएसटी का नोटबुक जो है सेम चीज़ साइंस की तरह ही, इम्पॉर्टेंट लाइन्स और क्वेश्चन आंसर। कंप्यूटर का एक बुक नोटबुक है बच्चों के पास जिसमें कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आंसर और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है। इसके बाद एक जीके है, जीके का नोटबुक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, हिंदी राइटिंग इट्स कंपलसरी ईच एंड एवरी डे। जो भी टीचर हमारे आएंगे वो हिंदी राइटिंग को जरूर क्या कहते हैं फॉलोअप करेंगे, और इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, इंग्लिश राइटिंग को भी देखना बहुत ही जरूरी है। हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग प्लस जीके वर्क, अदर सब्जेक्ट वर्क, ठीक है, अदर सब्जेक्ट का जो भी वर्क होगा ये सारे रफ कॉपी में आपको करने हैं, रफ कॉपी, ठीक है। रफ कॉपी बच्चों के पास कैसा होगा? एक मोटी रजिस्टर की कॉपी होगी, रजिस्टर नोटबुक, ठीक है। कैसा नोटबुक होगा? रजिस्टर नोटबुक, ठीक है, जो आपको क्लासमेट कंपनी का होगा और अच्छा कॉपी होना चाहिए। रजिस्टर नोटबुक जो बच्चों के पास दो पीस होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास दो पीस रफ नोटबुक, ठीक है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक किसके सब्जेक्ट के होंगे? हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, कंप्यूटर के हैं, यही फाइव सब्जेक्ट है ना, और भी कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो रहा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मैथ को तो हम छोड़ दिए हैं, बाकी जो हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, जीके वर्क, अदर वर्क, डिक्टेशन, ये सारे क्या होंगे? रफ नोटबुक में होंगे, ठीक है। उसके लिए सभी बच्चों के पास क्या होगा? दो दो रफ नोटबुक होगा। दो रफ नोटबुक इसलिए कि आज वो जो होमवर्क करके लाए हैं उसको आज आप सबमिट ले लीजिए, और उसको आफ्टर क्लास, क्लास के अंदर कॉपी चेक करना अलाउड नहीं है, आफ्टर क्लास आप उसको कॉपी को चेकआउट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको आफ्टर क्लास चेकआउट करते हैं तो आपको एक कॉपी बच्चे के पास ऑलरेडी है, और एक कॉपी बच्चे चेक करने के लिए, एक कॉपी आप चेक कर रहे हैं, एक कॉपी बच्चे के पास ऑलरेडी है तो उसमें वर्कआउट करेंगे, तो दो रफ नोटबुक और बाकी। अब बच्चे स्कूल, देखिए पेरेंट्स के पास एक क्वेश्चन है ये भी कि सर बच्चे का कैरी बैग, स्कूल बैग जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। नहीं, आपको वन डेज में जो है फाइव सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे बच्चे को, और उसके लिए सिर्फ दो रफ नोटबुक लेकर आना है। उसमें भी आप बच्चे लेकर आएंगे दो रफ नोटबुक, नहीं लेकर आएंगे एक ही रफ नोटबुक, ओनली वन, और एक आपके पास होगा, सबमिट रहेगा, आप उसको एक देंगे तो एक ले लेंगे। तो मान लीजिए फाइव बुक, एक नोटबुक, बच्चे का बैग क्यों भारी रहेगा मैं, और एक डायरी, यही चीज़ ना जाएगा। तो इसके लिए बच्चे का ये चीज़ देखना है, रूटीन जो है हमेशा फॉलोअप होना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स का किसी पेरेंट्स साइड से किसी तरह का कंप्लेंट ना आए। कॉपी समझ गए? ये सेम चीज़ अप्लाई होगा आपका क्लास 1 to 5 में, सेम चीज़ हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, कंप्यूटर का, ये सब का आपका नोटबुक बनाया जाएगा, फेयर नोटबुक, और साथ साथ दो पीस रजिस्टर नोटबुक सभी के पास होगा। अगर जो बच्चे मोटी वाली नहीं लेते हैं, पतली वाली भी रहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको आपको मीन्स कि बच्चों को रफ नोटबुक में स्कूल का वर्क करवाना है, मैथ होता है। एक चीज़ का ध्यान देंगे, क्लास 3, 4, 5 के लिए एक मैथ का भी फेयर कॉपी आप बनवाइएगा। जैसे जैसे बुक्स जो चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रहे हैं तो सारे बच्चे को बोलिए एक बार फेयर कर देंगे, जैसे रफ तो कर लिए
क्लास 3-4-5 में क्या होगा, एक मैथ का फेयर कॉपी को भी अटैच किया जाएगा, ठीक है, प्लेन सादा कॉपी रहेगा। वहां पर क्या होगा, सभी बच्चे उस फेयर कॉपी में नोट करेंगे, 3-4-5 के बच्चे, कौन बच्चे, क्लास 3-4-5 के लिए मैथ का फेयर कॉपी भी होगा, क्लास 1-2 के बच्चे के लिए मैथ का फेयर कॉपी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आप, हम लोग इस चीज़ को अब क्लियर कर लिए, समझ गए। एक बार हम लोग फिर से इसको सार में हम लोग रिपीट कर देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर, क्लास 3-4-5 के बच्चे के लिए सभी सब्जेक्ट का फेयर कॉपी होगा और साथ साथ दो रफ कॉपी होगा। क्लास वर्क में जो भी काम करवाया जाएगा रफ कॉपी में ही करवाया जाएगा। फेयर रफ कॉपी में काम होने के बाद बच्चे उसको फेयर कॉपी में नोट करके लाएंगे दूसरे दिन घर से। जब आपका रफ कॉपी में बच्चे नोट कर लेंगे, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद ही बच्चे फेयर कॉपी में, फेयर वर्क जो भी होगा वो बच्चे घर पे करेंगे, और छोटे बच्चे जो क्लास 1-2 के हैं खास करके, वो पेरेंट्स के गाइडलाइन में करेंगे। पेरेंट्स गाइडलाइन वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे समझदार हैं तो आप गाइड मत कीजिए, अगर आपके बच्चे समझदार नहीं हैं तो आपको ज़रूर उसमें गाइड करना होगा क्लास कॉपी को फेयर करने में, ताकि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में आसानी से याद कर सके। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, बच्चे के पास क्या है, याद करने के लिए कंटेंट ही नहीं है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, और हमारे यहाँ से जो भी टीचर्स और हम लोग सभी को आपको कोऑपरेट करेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। कॉपी का लिस्ट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कॉपी आप खरीदेंगे। क्लास 1-5 का कॉपी सेम लेना है, सिर्फ डिफरेंट कहाँ पे हो रहा है, 3-4-5 में सिर्फ एक मैथ का फेयर कॉपी एक्स्ट्रा मोटी वाली रजिस्टर कॉपी जो प्लेन होनी चाहिए सादा वाली, वो आपको लेना है बस।